बांदा में महिला की दबंगई से परेशान एक युवक ने जानमाल की रक्षा हेतु गुहार लगाई है। युवक का आरोप है कि कचहरी से घर जाते समय प्राप्ति सिंह नाम की महिला ने उसके साथ मारपीट की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मामला जसपुरा का है, जहां ब्लॉक के सामने खड़ी प्राप्ति सिंह ने विनय तिवारी के साथ जमकर मारपीट की। युवक की माने तो उसने थाने में शिकायत की, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे महिला के हौसले बुलंद हैं। युवक का कहना है कि ये महिला पूर्व में भी उसके साथ मारपीट करते हुए झूठे केस में फंसा चुकी है। वहीं जसपुरा थाना प्रभारी मौनी निषाद का कहना है कि वीडियो का संज्ञान लिया गया है, इसके बाद कार्यवाही की जाएगी। मेरा नाम विनय तिवारी है, ग्राम गौरी कला, थाना जसपुरा, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। क्या हुआ है मामला? एक जसपुरा की एक महिला है जिसका नाम प्राप्ति सिंह है। उसने परसों के दिन दिनांक 15 तारीख को मेरे साथ में जसपुरा में मेरी गाड़ी रुकवा करके, मैं पलानी तहसील से आ रहा था तारीख करके, घर जा रहा था अपने, तो जसपुरा में मेरी गाड़ी रोक करके उसने मेरे साथ में बदतमीजी से गाली गलौज किया। जब मैंने उसको मना किया कि ये अभद्रता ना करो, जो भी है कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट में हमारा मुकदमा चल रहा है। उसने मुझे पिछले वर्ष मुझे और मेरे पिताजी को 76 के केस में भी फंसा दिया था, और मैं अभी जेल काट करके अपनी सजा काट करके जमानत के तौर पर आया हुआ हूँ। फिर से मुझे फंसाने के उपरांत लगी हुई है फंसाने में, उसने लात घूसों से वार भी किया। परसों दिन मुझे मेरे ऊपर करती रही, मैं बर्दाश्त करता रहा, कुछ भी नहीं बोला। और किसी प्रकार से जी कहाँ आए थे? आज मैं बांदा आया हुआ हूँ SP साहब से मिलने, और मदद की गुहार लगाने आया हूँ कि मुझे न्याय दिलाएं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करें। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि ठीक है, जांच करवाते हैं, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।